हेलो फ्रेंड्स, आमना बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं सर्कल प्लाजो, पेपर पर कटिंग सिखाने वाले हैं। पेपर पर कटिंग हम आप लोगों के लिए सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी समझ में आ जाए। आने वाली वीडियो में कपड़े पर सिखाएंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, घर बैठे सिलाई कोर्स चल रहा है हमारा। हमने लिया है पेपर की फुल शीट, या इसकी चौड़ाई है 13 इंच और इसकी लंबाई है 21 इंच। अब इसको हमें फोल्ड करना है पेपर को इस तरीके से। सर्कल प्लाजो बनाना बहुत ही आसान होता है। इस पेपर को हम निकाल देंगे, कट कर लेंगे। अब हम यहां से 5 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। ये हमने कमर का निशान लगाया 5 इंच पर। अब हम यहां से गोलाई का निशान लगाएंगे। ये हमें चाहिए है 20 इंच, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से हम इंची टेप को घुमाते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे। ये हमने निशान लगा दिए हैं, देख सकते हैं हम लोग। ये निशान लगा दिया है हमने और ये कमर का निशान है। अब इन निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। ये इस निशान पे हमें कटिंग करना है और इस निशान पे हमें कटिंग करना है। कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम आसन लेते हैं इसका, 7 इंच का आसन लेंगे और 2 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। तरीके से ये हमने 1/2 इंच 1 इंच का लिया है तीरा। इस तरीके इसकी कटिंग कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये इसका एक पैचा है। दूसरा पैचा भी सेम कटिंग करना है और यहाँ पर बेल्ट आ जाएगी। कपड़े पर आसन से आसन मिला के स्टिच कर देंगे और नीचे से फोल्ड कर देंगे, इसमें बेल्ट लगा देंगे। स्टिच करना बहुत ही आसान है। आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल आमना बुटीक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल आमना बुटीक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं आप लोग हमारी और भी वीडियो।